Hi, do you want to become rich without getting lucky? I'm sure अगर आप 1000 जन्म लेना तो उसमें से कम 999 जन्म में आप अमीर बनना चाहेंगे, ना कि सिर्फ उन 50% जन्म में जिसमें आप बाय चांस अमीर बन गए. But is it possible to become rich without getting lucky? To answer this, सबसे पहले luck को समझते हैं. Luck चार तरह की होती है. सबसे पहले blind luck. ऐसी luck, ऐसा कुछ होना जो आपके circumstances, आपके control से बाहर था. दूसरी, वो luck जो एक इंसान create करता है अपनी मेहनत, persistency, hustle और opportunities को experiment करके. तीसरी luck, ये luck है लक को आइडेंटिफाई करने में अच्छे बन जाना. और ये स्पेसिफिकली तब होता है जब आप एक एरिया में बहुत डीप काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जूम एप्लीकेशन की बात करूं तो कोविड से पहले भी वो बहुत काम कर रहे थे वर्चुअल कॉलिंग्स पे, बट जैसे ही कोविड हुआ इट वाज अ ह्यूज हिट. और चौथी लक जो सबसे ज़्यादा वियर्ड है और यूनिक भी, ये है एक यूनिक करेक्टर, माइंडसेट, एक यूनिक ब्रांड क्रिएट करना जिसके वजह से लक आपको खुद फॉलो करे. I'll give an example. Let's say आप इस दुनिया के एक लौते ऐसे सी डाइवर हैं जो सबसे ज़्यादा डीप जा सकते हैं, एंड एक इंसान है जिसको सोना मिलता है कहीं डीप सी में. तो वो इंसान को आपके पास आना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ योर यूनिक स्ट्रेंथ, एंड उसके बदले वो आपको उस 50% खजाने को भी बांटने के लिए तैयार है. दैट्स हाउ उस इंसान की लक आपकी लक भी बन गई. ओके, आई नो थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल था, बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था दैट यू कैन क्रिएट योर ओन लक एंड बिकम रिच. और जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया वो मैंने सीखा है एक इंडियन अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट नवल रविकांत के ट्वीट से. बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर हैं, ट्विटर पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और इन्फ्लुएंशियल रहते हैं. काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, बट लोग जो नहीं जानते उनकी स्टोरी शेयर कर देता हूँ. 9 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स दिल्ली से न्यूयॉर्क चले गए. उनका बचपन थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था बिकॉज वो एक इमिग्रेंट थे, पर उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी और 25 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस खोला. 34 साल की उम्र में वो चेयरमैन बने एंजलिस्ट के, जो एक VC फंड है जिसने ट्विटर और उबर जैसी कंपनीज में बहुत अर्ली इन्वेस्ट कर लिया था. और 43 के एज में वो बने इन्वेस्टर ऑफ द ईयर. यस, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बुक ना बहुत ही यूनिक है बिकॉज ये बुक ऑथर ने लिखी नहीं बट एक्चुअली कंपाइल करी है नवल रविकांत के सारे ट्वीट्स और उनके पॉडकास्ट को मिलाकर. एंड यस, 2021 की इट इज़ माय वन ऑफ द बेस्ट रीड. सो क्या थे नवल रविकांत के सबसे फेमस ट्वीट्स और उनसे आप क्या सीख सकते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा. सो लॉट ऑफ थॉट्स ब्रूइंग इन माय हेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. So, नवल रविकांत says, find and build a specific knowledge. देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी स्किल या नॉलेज है जो बहुत ईजिली रिप्लेसेबल है टेक्नोलॉजी से और मे बी कॉम्पिटिशन से, तो आप बिजनेस में लंबे समय तक नहीं टिक पाते. बट अगर आपके पास कोई यूनिक चीज़ है, एक स्पेसिफिक नॉलेज है, देन यू आर इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म. बट हाउ टू फाइंड और डिस्कवर दिस स्पेसिफिक नॉलेज? सो नवल says, जब आप किसी भी काम में अपने पर्सनल ट्रेड्स को ऐड कर देते हैं तो वो बहुत यूनिक बन जाता है. अब वो कोई भी आदत हो सकती है आपकी, मे बी यूट्यूब और गॉसिपिंग और सेल्स की कोई अलग सी नॉलेज, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, बट हैज़ टू बी यूनिक. आई गिव एन एग्जांपल, यूट्यूब सेंसेशन यशराज मुखाटे, इट वाज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ म्यूजिक एंड डायलॉग्स, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम सो वायरल, राइट? बिकॉज नवल सेज दैट नो वन कैन कम्पीट यू ऑन बींग यू, right? And that's the great part. And specific knowledge, it cannot be taught in classrooms. ये आपको खुद ही जिंदगी से सीखनी पड़ती है. नवल कहते हैं, find a position of leverage. आर्किमिडीज का एक बहुत ही फेमस कोट है, give me a lever long enough and a place to stand and I will move the earth. Leverage का मतलब है अपने एक एक्स एक्शन से 1000x रिजल्ट क्रिएट करना. अब एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का टाइम और अपने कैपिटल को लेवरेज कर रहा होता है और इसी वजह से वो इतना बड़ा रिजल्ट जनरेट कर पाता है. अब पहले ना ये करना बहुत ही रिस्की था और सिर्फ कुछ ही लोगों के बस की बात थी,
बट आज ये सबके लिए पॉसिबल है. आई गिव एन एग्जाम्पल. आज से कुछ 100 साल पहले अगर इंसान 10 रुपये का सेब खरीदता था तो उसे 20 रुपये में बेचकर प्रॉफिट कमाता था. उसके बाद कुछ थोड़े समझदार लोग आए, उन्होंने 10 रुपये का सेब खरीदा, उसका जूस बनाया और उसे 50 रुपये में बेचना शुरू कर दिया. थोड़े से और स्मार्ट लोग आए, उन्होंने 10 रुपये का सेब खरीदा, जूस बनाया, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करे जो लंबे समय तक टिक पाए और वो जूस 100 रुपये का बेचना शुरू कर दिया. बट अब एक इन्फ्लुएंसर आता है जो एक एप्पल खरीदता है और मे बी खरीदता भी नहीं है, बट वो एप्पल पे A to Z R&D करता है और उस पर फिर वो एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है और उस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर देता है एंड वो उससे 10, 50, 100 रुपये नहीं पर लाखों रुपये कमाता है. इनफैक्ट ब्रांड्स खुद उसके पास आती हैं काम देने के लिए. एंड दैट्स द पावर ऑफ लेवरेज. एंड इसलिए नवल कहते हैं कि हर किसी को बेसिक मीडिया और कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो मीडिया को और टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर या फिर कहिए घर बैठे भी लेवरेज कर वंडरफुल चीज़ें क्रिएट कर सकता है. नवल कहते हैं प्ले लॉन्ग टर्म गेम विद लॉन्ग टर्म पीपल. अगर आप किसी भी चीज़ में एक मैसिव रिजल्ट चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, नॉलेज हो, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से आती है जिसके लिए समय देना पड़ता है. आप कोई भी पब्लिक कंपनी का CEO इसीलिए बना है बिकॉज उसने सालों इन्वेस्ट करा है रिलेशनशिप्स में और अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए. दैट्स व्हाई आप सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ काम करें या कुछ ही प्रोजेक्ट्स पे काम करें, पर जितना भी काम करें या जिसके साथ काम करें डीप रिश्ते बना के काम करें, उसमें समय डालें. और हाँ, ये करते हुए आपके 99% एफर्ट वेस्ट ही जाने वाले हैं. इट्स लाइक अगर हम सोचें कि आपके हस्बैंड या वाइफ के अलावा आपने जितने भी लोगों को पहले डेट किया वो आपके लिए एक वेस्ट ही था इन गोल सेंस, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नो डू नॉट स्टिक टू पीपल और प्रोजेक्ट जिनके साथ आप पता है कि मैं लंबे समय तक नहीं टिकूंगा. सो बेटर फाइंड फ्यू एंड डीप बिल्ड. जो भी लेसन आज मैंने आपके साथ शेयर करे वो थे बुक द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत में से. एल्मनाक का मतलब होता है डायरी, अगर आप क्यूरियस है जानने के लिए, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था जब मैंने नाम सुना था पहली बार, तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी शेयर कर लो. एंड यस, थैंक यू सो मच. दिस बुक इज गिफ्टेड टू मी, सो थैंक यू टू द पर्सन हु गिफ्टेड मी दिस बुक. एंड इफ यू वांट टू गिफ्ट अ बुक, यू वांट टू रीड अ बुक फॉर फिलोसफी, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, डेफिनेटली बिग 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 रिकमेंडेशन. आप अपने 20s में हैं, आप अपने 30s में हैं, डू रीड दिस बुक, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. एंड मैंने एक और बहुत ही फैंटास्टिक बुक की समरी डाल दी है और आप उसका लिंक अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. डू वॉच दैट, डू लाइक दिस वीडियो एज वेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड, पुट थिंग्स इनटू कमेंट्स. एंड यस, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, बुक्स प्यूरी को 2021 में इतना प्यार देने के लिए और 2022 में मैं एंटिसपेट करता हूँ और ज़्यादा प्यार देंगे, उन सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया.